नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा माही एपीएस बाईपास के लगे इटौरा माही एक युवक नशा के हालत में लोटत पाई गई। बतावा जात लाग हबे कि युवक पेशा से वेटरनरी डॉक्टर आही, जिनका नाम दीपू द्विवेदी हबे, जे कहिन कि जब तक जियब तब तक पौआ पियब। खैर, जब डॉक्टर जौन के नशा के फायदा और नुकसान से भली भांति परिचित हमा, जब उ सरेआम दिन दहाड़े अमेर के नशा में लोटत लाग हमा, तब मन ई आम जन से का उम्मीद करे। देखी वीडियो। अम्मा की कसम, कुंदन कुमारी का है, हम कांग्रेसी नेता है, महतारी तो कांग्रेस का लड़का है। जब तक जिया तब तक पौआ पिया। आई एम सेटिस्फाइड। नहीं पुत्र, जब तक नहीं लड़े तब तक पौआ पिया। ते हमका सर जूता मार बेटा। काहे? सुन पुत्र, हमका हरेक संस्कार लाला जी, एक भी ए लाला जी लाला तुमको तो आओ शंभू पुत्र हनुमान पवन पुत्र। अरे ना हो कौन दुबे आज प्रभा बुलेटिन के अगली खबर है घोघर से, जहां महरू निशा पत्नी जाबिर जौन के हाजी शरीफ के रहे वाले आई अपने घर में मरम्मत के काम करवावत रही। तो पड़ोस के रहे वाले सरस्वती विश्वकर्मा, बिपिन विश्वकर्मा, ममता कुशवाहा पीड़ित के साथ गाली गलौज कई के बनवावे जाए वाले पिलर और बीम का गिराए दिन। एक पहले उनके घर में ही काम करे वाले मजदूरन का भगाए दे रहे। पीड़ित महिला एकर खातिर शिकायत थाना और नगर निगम में ही करे रही, पर आरोपी लगातार उनका परेशान कर रहे हैं, जो उन्हें खिलाने अब कलेक्टर से मदद के गुहार लगाए हैं। पर सुनी पीड़ित का कुछ बता रही हम। ये सब आप लीजिए, यहाँ का दिखाइए कि ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है। हमारा नाम मेहरुन निशा है, ये घोघर मोहल्ला कहलाता है, रामलीला मैदान के पीछे वार्ड नंबर 19 है। क्या समस्या है? ये समस्या है, ये सरस्वती तिवारी आंटी का मकान है जो उन्होंने ख़रीदा था और हमें बेच दिया। उनका ये दो मंजिला मकान निर्मित है और उनका ये 96 से पर्ची निर्मित है, जिसके ये एंगल सड़ गए, घुन गए, ये छत जो है तो बारजा जो है तो झूल रहा है, तो हम इसका रिपेयरिंग करवा रहे हैं। तो ये विनोद कुमार विश्वकर्मा लाल, ये उसकी पत्नी और उसकी बेटी सरस्वती विश्वकर्मा, बिपिन विश्वकर्मा, ममता कुशवाहा, ये लोग करने नहीं देते हैं और गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, लेबर को भगाते हैं और नगर निगम के पास हम जाते हैं कि हमें मंजूरी दीजिए, तो बोलते हैं 10 फीट की मंजूरी नहीं देते मैडम, तो 3.5 फीट का क्या दें। अपना का बताए दे कि गाइडलाइन के मुताबिक जोने माही रीवा के सलगे होटल संचालकन खातिर निर्देश दिन का हवा कि रात के 10 बजे तक वो ऑर्डर ले सका था माँ। एक साथ है शहर माही नए साल के स्वागत माँ कौनो मेर के दुर्घटना ना हो, एक लाने शहर माही जगह जगह चेकिंग हुई, मादक पदार्थ के सेवन कई के वाहन चलावे वाले लोगन पर कार्रवाई की जाये। सुनिए एडिशनल SP का कुछ निर्देश दिन ही। और इसमें अभी श्रीलंका पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई, इस बात आई थी अभी एक सज्जन जो थे किसी होटल के संबंध में, उन्होंने एक प्रश्न भी उठाया था कि साहब वो हर बार उपचार, उनको भी इस संबंध में स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी उपचार जो रेस्टोरेंट में जहाँ पर महिलाएँ बच्चे बच्चियाँ सभी लोग जाते हैं उनके सामने कोई उपचार अगर पीते हुए दिखाई देता तो निश्चित रूप से उस पर गलत इफेक्ट भी पड़ता है और एक कानूनी नहीं। अगर वो उस तरह कहीं भी कुछ मिलता है पुलिस ने प्रशासन की तरफ से भी स्पष्ट है कि उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। पटाखे फोड़ने भी प्रतिबंधित कर दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो तो एक निर्धारित समय है, उसके पहले ही जिनको कुछ अगर आनंद उठाना उठा लो उसके बाद बनाएंगे। सर 31st में ड्रिंक एंड ड्राइव का बहुत मामले आते हैं, तो इसके क्या कारण? इसमें हमारे DSP ट्रैफिक ने बताया है कि पूरी व्यवस्था लगा रखी है, शहर में करीब 12 से 13 स्थानों पर चेकिंग की जाएगी, ब्रीथ एनालाइजर के साथ की जाएगी, अगर कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रखते हुए पाया गया वो भी 11 के पहले, ठीक है,
तो कार्रवाई अलग से की जाएगी। 11 के बाद तो हर तरह से कार्रवाई होने ही है, अगर जो भी रात में निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है। बुलेटिन के अगली खबर में ही यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन और विकलांग विद्यालय में नेत्रहीन और विकलांग विद्यार्थी के लाने विद्यालय में ही 16 बेड और बढ़त ठंड का ध्यान में रखी के कम्बल विद्यार्थी का बांटागा। अपना को बता दे कि विद्यालय में ही एक खातिर पहले से मांग की जा रही है, जहाँ विद्यालय में कुल 100 नेत्रहीन और विकलांग छात्र मा यहाँ पहली बेर कन्या छात्रावास के शुरुआत की गई है, जहाँ रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी सामाजिक संगठन से नेत्रहीन और असहाय छात्र खातिर मदद के अपील करी है। आज यमुना प्रसाद शास्त्री जी की ब्लाइंड स्कूल है, इसको पहले भी हम लोग लास्ट टाइम में और कमिश्नर सर है ना दोनों आए थे दूसरे प्रोग्राम में, फिर तब है ना डिमांड भी हुई थी। टोटल है ना 100 चिल्ड्रन है इधर, 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें पहली बार एक्चुअली कन्या छात्रावास भी ना इन लोगों ने शुरू किए हैं 50 सीटर, बट अभी उसका है ना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप करने के स्थिति पे हैं। तो इसके बीच में हमारी सामाजिक संगठन और आरके पिल्लई है, उन्होंने आज है ना 16 बेड है ना इस स्कूल के लिए डोनेट किया है। उसके लिए प्रशासन की ओर से और ट्रस्ट की ओर से सामाजिक न्याय विभाग की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रीवा जिले में ही शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते किसान उनकर अव्यवस्था के भेंट चढ़ला हम, जो उनके कई दिन से कड़ाके के ठंड व आसमान के नीचे पड़े हम। खरीदी केंद्र में खरीदी के तिथि खत्म हो रही है, जोने से किसान बहुत ही चिंता में हम। अपने बता दें कि समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी कहें कि भाजपा सरकार भले खुद का किसानन के हितैषी बतावत ही पर वह किसान के कमर तोड़े खातिर अधिकतर जगहन में समिति के प्रबंधक का मनमानी करे खातिर छूट दे रही है। नई गढ़ी के देवरी खरीदी केंद्र और खर्रा सर्किल में ही आलम यह है, जो माही किसान कहा लाहमा के प्रबंधक के मनमानी चरम पर हवे, वहाँ खाद के नाम पर उनसे मनमानी वसूली तो होते लाही बे, 5 दिन से खरीदी बंद ही बे। खरीदी केंद्र बंद होने के कारण किसान जो उनके बाहर से वाहन ले आए के खड़े करे हवा, उनकर 5 से 6 हजार रुपया के किराया लागल ला हवे। ऐसे समय माही खरीदी के समय वो खत्म हो रहा है, जोने से किसान मरे खातिर और आत्महत्या खातिर विवश हवा। भाई अपन 4 दिन से जो रोके हैं तो वो तो खत्म हो रहा है, पानी ब्रेड खाने लायक आदमी कहां चला जाए। आगी तक के लकड़ी ये नई गढ़ी तहसील के खर्रा सर्किल और ये धान खरीदी केंद्र जहां पे आज 5 दिन से तौल बंद है, किसान खुले ठंड में पड़े हैं। इनका कहना है कि आज हम सबका डेट खत्म हो रहा है। आप कितने दिन से यहां हैं? 5 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? अपना भैया आप। बुलेटिन के अगली खबर सतना से हवे, जहां कुसेड़ी गांव माही एक बहू अपने सास ससुर का इतनी बेरहमी से पीटिन जोने माही ससुर के मौत हो गई। वहीं सास के हालत गंभीर बनी हवे, बहू अपने भाई के साथ घटना का अंजाम दिन घायल सास के उपचार चल रहा हवे मैहर मा। पुलिस वहां बहू के साथ 3 लोगों पर हत्या के मामला दर्ज करी है। घटना अमदरा क्षेत्र के आए, जहां पुलिस अब फरार आरोपी के तलाश कर रहा है। दरवाजा साकर खड़ा खड़ा तो हम गए खोलने, भाई था उसका बहन का, तो बोला कि वो हमारी बहन को बाहर राड सब लाए रहे। बहू भी मिल के मारी है कि वो दोनों बस मारे हैं? वो बुला के मरवाए, 3 लोग थे। बेसिकली ये फैमिली डिस्प्यूट का मामला है, इसमें रात्रि में परिवार के भी झगड़ा हुआ और जो महिला थी उसने अपने भाइयों को फ़ोन पे कॉल करके बुलाया, भाइयों ने वहाँ पहुँच के जो मृतक हैं वृद्ध व्यक्ति हैं उनके साथ मारपीट हुई। रीवा माही रतहरा बाईपास के नहर माही एक थे युवक के डूबे के सूचना कंट्रोल रूम में मिली, जहाँ पर SDRF और होमगार्ड की टीम के प्रभारी समूह पांडे और विनीत शुक्ला रतहरा नहर में पहुंच के युवक के तलाश में जुटे। अपना बताई दे कि युवक मजदूरी के काम करत रहा, जिन्हें के नाम मोहम्मद परवेज, उम्र 24 वर्ष है। अपना बताई दे कि मोहम्मद परवेज नीम चौराहा रीवा के रहने वाले बताए जा रहा हम। मौके में ही कमांडेंट अजय सिंघव रहे हम, जो उनके कुछ घंटे के सर्चिंग के बाद युवक के शव मिला है। आखिर में ही विराट 24 की टीम के तरफ से सभी दर्शकन का नवा साल के बहुत बहुत बधाई। नवा साल अपना पंचिन के लाने बढ़िया सेहत धन और समृद्धि लेके आवे। नमस्कार।